हम दिल्ली वालों ने वर्कशीट से इतनी अधिक मोहब्बत की कि अब वर्कशीट जाने का नाम ही नहीं ले रही पहले हम गले मिले थे वर्कशीट से अब वर्कशीट हमारे गले पड़ चुकी है और इतनी अधिक गले पड़ चुकी है कि अब तो हमें सपने भी वर्कशीट के आते हैं उफ मेरी वर्कशीट अधूरी रह गई उफ मेरी वर्कशीट उसके ऊपर चाय गिर गई मेरी वर्कशीट तो रहती अब क्या होगा अब वर्कशीट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो कौन बनेगा करोड़पति में पांच करोड़ का सवाल होता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वर्कशीट कब तक आएगी वर्कशीट कब बंद होगी आखिर अब ये जो क्वेश्चन है पूरा दिल्ली जानना चाहता है देश चाहे ना जाने लेकिन दिल्ली जानना चाहता है ये वर्कशीट कब तक बंद होगी तो अभी क्योंकि हम टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं तो अब जो फर्स्ट वीक ऑफ फैब में डिस्कस किया गया था तब हमें ये बताया गया था कि ये फैब एंड तक आएगी लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है मौसम बदल गया है मौसम बदल गया जैसा कि हमने पिछली अपडेट में बात की थी कि अब सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया है सर्कुलर यह निकाल दिया है कि नाइन्थ और इलेवंथ के एग्जाम है वो पहले हमें निपटाने हैं और फर्स्ट ऑफ अप्रैल से सेशन स्टार्ट करना है अब वर्कशीट कब तक आएगी क्वेश्चन वही रह जाता है कि वर्कशीट क्या अब और नहीं आएगी नेक्स्ट मंडे से बंद होने वाली है तो वर्कशीट के बारे में अभी तक जो आपकी अपडेट है वो रेडी है कि वर्कशीट आपकी फैब तक की रेडी कर ली गई है लेकिन क्योंकि ये नया ट्विस्ट आ गया तो इसलिए हो सकता है वर्कशीट क्रिटिकल कंडीशन में उसकी सांसें चल रही है धड़क रही है थोड़ी सी तो हो सकता है इस वीक भी ना आए हो सकता है क्योंकि रेडी है तो हो सकता है ये सोचे कि दे दिया जाए क्योंकि अभी स्कूल थे सेकेंड सैटरडे ऑफ था तो डिसीजन लेना वो डिसीजन मंडे को लिया जाएगा तो इसलिए हो सकता है मंडे से ही आपकी वर्कशीट ना आए अगर कंफर्मेशन न्यूज मिल गई हो अदरवाइज आपकी ये वीक लास्ट हो सकता है अब हो सकता है क्यों क्योंकि जब तक हमारे पास सर्कुलर नहीं पहुंचता तब तक हो सकता है लेकिन हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि या तो इसी वीक आएगी या फिर नहीं आएगी इसका अब अंत आ चुका है फाइनली वर्कशीट की बजाय अब हम रिटर्न करने वाले हैं वापस लौटने वाले हैं अपने एग्जाम की तैयारी के ऊपर तो आपको एग्जाम की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए तो वर्कशीट है वो जल्द ही आपकी अभी जो वर्कशीट अगर आ भी गई नेक्स्ट वीक तो वर्कशीट वैसी आएगी जिसको आप फाइव टू टेन मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो इजली अब एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लू जब वर्कशीट की ही बात हो रही है तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट्स है कि वर्कशीट से ही क्वेश्चन आएंगे क्या कैसे करें तो आपको मैं बता दूं कि वर्कशीट में वही क्वेश्चन है जो आपकी बुक में सिलेबस में दिया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नेचुरली तौर पर आपने वर्कशीट से स्टडी किया तो इस बार मोस्टली क्वेश्चन वही होंगे जो आपकी वर्कशीट में दिए गए और वर्कशीट में क्वेश्चन वही दिए गए जो आपकी बुक में दिए गए आपके स्पोर्ट मटेरियल में दिए गए तो इट डजेंट मैटर कि आप वर्कशीट से तैयारी करें, आप तैयारी करे अपने स्पोर्ट मटेरियल से आप तैयारी करो अपनी बुक से किसी से तैयारी कीजिए क्योंकि क्वेश्चन तीनों जगह सेम दिए गए हैं। ओके okay, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए वर्कशीट है वो अब जल्दी ही बंद होने वाली है फिर हम तैयारी कैसे करेंगे तो इसके लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से पता कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के आएँ तो टू डेज में हम एक सब्जेक्ट को निपटा सकते हैं और नेक्स्ट टू डेज़ में सेकंड यानी कि हम टेन डेज में कंप्लीट नाइन्थ क्लास के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप ऐसे ही बने रहिए और हम अपडेट आपको देते रहेंगे और जो भी आपके सजेशन होंगे उनको लेकर के हम आपके साथ बने रहेंगे तो ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे